press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार, उस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सिर्फ इस बात के दो चीजों का है, वो दुख इस चीज का है कि 300 माओं के बच्चे मारे जा चुके हैं, उसका दुख है। दूसरा दुख है, मैं उस पर अपील भी मैंने की है अपने बंगाली भाइयों से, और फिर भी करूंगा कि खुदा रहा हिंदुओं के साथ इस तरह का ना करो। हमारे भाई, हमारे बहन भाई हैं, हमने यही रहना है, हमने यही रहना है उनके साथ ही है। इस तरह ना करो, किसी के साथ ऐसे ना करो, क्रिश्चियंस के साथ भी, सिखों के साथ भी ऐसे मत करो। फेथ उनका, हर फेथ अच्छा होता है दुनिया का, ये बिल्कुल सोचना गलत सोच है कि शायद मेरा फेथ ही जो सबसे बेहतर है। लेकिन ये कि उनको भी रहने की जगह दो, खुदाई फैसले खुद, खुदा ने उनको क्रिएट किया है, उनको साथ अच्छा सपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि सर अगर ये यही करेंगे तो फिर ये तो पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है, अमेरिका ने तो वीजा कैंसिल कर दिया। देखिए अभी तक कई चीजें, अमेरिका के अंदर उनका लड़का वकील है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, न्यूयॉर्क वकील है, उसके बाद कई और ममालिक के अंदर उनकी फैमिली है, उनकी सिस्टर जो है वो यूके सिटीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वहां रहना चाहती हैं। अभी क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ, एक तो भारत का बॉर्डर बहुत बड़ा है जहां पे आजकल उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन इस अगर बांग्लादेश के अंदर हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। तो वो मेरे ख्याल में दिस इज अ स्ट्रेटजी कि उनको भारत में रखा जाए, शायद इंटर्म गवर्नमेंट में या अगले इलेक्शन में हसीना वाजिद दोबारा फिर इलेक्शन लड़े तो हो सकता है कि जो है वो हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए, क्या पता है। लेकिन ये कि हसीना वाजिद जो है वो काफी अरसे तक पहले भी भारत में रही हैं, 6-7 साल। उनके हस्बैंड जो थे मियां वाजिद साहब, वो पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काम करते रहे, फिर उन्होंने इंडिया के एटॉमिक एनर्जी में भी काम किया था जाके। तो पहले भी जब इनको लाया गया था बाहर से तो भारत के अंदर ये रही थी, नाम इनका चेंज किया गया था, इनकी पूरी फैमिली का बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखा गया था बांग्लादेश जाने से पहले। जो चीजें ठीक नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो रेडिकलाइज करने की कोशिश है, रेडिकलाइज सिस्टम लाने की कोशिश में है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, मैं कहूँगा कि उनको भी चाहिए कि मिडल ग्राउंड पे रहें, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप अपना फेथ भी जो मर्जी प्रीच करना है करना है, माइनॉरिटीज का ख्याल रखें और बांग्लादेश की तरक्की के बारे में सोचें। इस रीजन के अंदर पहले भी दुनिया वैसे भी जल रही है, अगर देखा जाए गजा के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन के हालात जो आप देख रही हैं, कीनिया नाइजीरिया के अंदर हालात खराब हैं, पाकिस्तान के तो कभी हर 76 साल में ठीक हुए ही नहीं है, उसका क्या तवज्जो देनी है। देश की मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी आपसे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, पहले तो हम वाहवा करते नहीं थकते थे बांग्लादेश की, दूसरी तरफ भारत का ये कहना है, कई उनके मीडिया आउटलेट्स जो है वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने करवाया कि ये सारा हंगामा, अब ये एक दूसरे के ऊपर एज यूजुअल लगे हुए। आपको लगता है कि हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम गिरा देंगे गवर्नमेंट? ऐसे मजाक ना किया करें आप प्लीज, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये बात बताएं मुझे, हमसे अडियाला जेल कंट्रोल नहीं होती तो ढाका कंट्रोल कर लिया, वाह भाई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हजूर, हम इस काबिल नहीं है, इतने बड़े बड़े मेडल हमें ना दें आप, हम इतने अच्छे होते तो अडियाला जेल को जेल बना लेते। हमसे अपने अपना खूबसूरत बॉलर जो है फास्ट बॉलर वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कप्तान नहीं कंट्रोल हो रहा, आप कह रहे हैं कि ढाका हमने मैनेज किया है, आप हमें शर्मिंदा मत किया करें। नवाजिश, वो कहते हैं नवाजिश नवाजिश, थैंक यू थैंक यू, खुदा का नाम लो यार, उधर कहते हैं ISI के नारे लगे हमारे ढाका में, मैंने सुना ये बात। फिर उसके बाद एक हमारे एक बड़े मोहतरम एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अगले दिन कहा, उन्होंने कहा जी मैंने ISI वालों से पूछा है, वो आगे से मुस्कुरा देते हैं, ना हाँ कहते हैं ना ना कहते हैं, क्योंकि हाँ कहने में भी नुकसान है ना कहने में भी नुकसान है, लेकिन मुस्कुराते हैं।
उसकी मुस्कुराहट के अंदर भी बहुत छुपे सवाल जवाब हैं। मकसद ये है कि क्यों शर्मिंदा करते हैं, शहीदों से मजाक ना किया करें यार। इन्होंने ये इस काबल होते तो अली अमीन गंडापुर रोजाना कहता है मैं इस्लामाबाद पे अटैक करूंगा, उसको ना रोक लेते। स्वाबी में परसों उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं सितंबर में आऊंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा, अली अमीन गंडापुर साहब की। और उन्होंने कहा है क्योंकि ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, माफी मांगो, इमरान खान तुम्हें माफ कर देगा, अकबर बादशाह है तुम्हें माफ कर देगा, ये स्टेटमेंट है उसकी। और ये लोग ढाका में जाएंगे, वाह भाई वाह, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। तो ये भाई इस तरह के मजाक मत किया करें, हमसे अपना घर तो मैनेज हो नहीं रहा, तो ढाका में हम आएंगे और वहां उनको आके तो हुकूमत। सर एक चीज और गलत की है पाकिस्तान की हाई कमीशन जो इंडिया में, उन्होंने राहुल गांधी को आम भिजवा दिए, उस पे बीजेपी वाले नाराज हैं, उनको चाहिए था मोदी जी और बाकी लोगों को भिजवाते, सिर्फ कांग्रेस में आम भिजवा दिए पाकिस्तान एम्बेसी ने। यार ये बड़ी अजीब बात है, ये तो साजिश लग रही है मुझे, आम इतने महंगे आम मिल गए उनको, मैं तो, ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये किसी ने उड़ाई है बात, इतने महंगे आम तो वहां किस तरह वो भाई अफोर्ड कर सकते हैं लोगों में बांटे हुए, ये पाकिस्तानी आम भेजे होंगे ना सर, पाकिस्तान में आम, पाकिस्तान से आम वहां जाते हैं यार, जो क्या कैसी बात कर रहे, पाकिस्तान से आम इतने महंगे आम, वो भी दिल्ली में चले जाए पाकिस्तान की एम्बेसियों के, आपको हालात पता है, मैंने आपको बताया था वॉशिंगटन DC का एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, आप कह रही वहां पे आम जा रहे हैं, चले मुझे लगता है यूनियन मिनिस्टर बड़े नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि जी राहुल गांधी को भेज दिया, मैंने कहा मोदी जी को भी भेजने चाहिए थे उनको। गांधी साहब तो खाते ही नहीं है आम, इतने फिट अपने फिजिकल रखते हैं, इतनी मीठी शुगर वाली चीज तो नहीं वो खाते, वो दौड़ लगाते हैं, आपने देखा है हमेशा सफेद उनके वो उन्होंने पोलो शर्ट पहनी होती है, उनका यूनिफॉर्म ही वो खाकी पैंट होती है। मैं कई दफा कहा यार कि लोकल ड्रेस पहनो, को अपना पजामा कुर्ता पहनो, अपने वेस्ट कोट पहनो, लेकिन वो कहता है नहीं यार मैं डैडी किस्म का, इसलिए लोगों ने नाम उनका पप्पू रखा, कहते पप्पू जी, पप्पा जी उनका नाम रखा था उन्होंने, वो पप्पू बन के फिरते रहते वाकई। तो पप्पू वगैरह जो है वो मिल्क शेक पीते हैं, वो आम नहीं खाते, गलत किसी ने गलत खबर उड़ाई है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है कि ISI ने आम भेजे हैं तो वो पप्पू भाई चूस रहे थे बैठ के, वैसा नहीं गलत। पप्पू हमारे यहाँ भी बहुत है, हमारे यहाँ भी कम नहीं है, अब आपके आप तो पप्पू स्थान बन चुके हैं आपके साथ से। तो बिल्कुल जी, दुआ करें कि बांग्लादेश में कोई अमन के वहां पे सिलसिला हो और ये यही रहे। अब देखें दुनिया में, मैंने जिस तरह आपको दुख वाली बात है, 300 बंदा बच्चा मरा, बल्कि एक बच्चा वहां पे पानी बेच रहा था, एक बच्चा वहां पे जहां पे इनका था एहतजाज, वहां पानी की बोतलें बेच रहा था, पुलिस की गोली से मारा गया, उसकी बीवी ने भी खुदकुशी कर ली दूसरे तीसरे दिन। तो मैं बड़ा दुखी था इस बात पे। और दूसरा मैंने कल परसों किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है कि एक हिंदू फैमिली है, उनके बाहर दंगा हो रहा है और अंदर कितने घबरा के बैठे, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे। मेरी आंखों से पहले अभी तक 1947 का वाकयात मेरे सामने से गुजरते हैं और मैं खून के आंसू रोता हूँ। ऐसे ना करो खुदा रहा, ऐसे ना करो प्लीज। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपने कहा था बार्सिलोना गए थे, आप बताएंगे वहां जाने के अपनी बात। वैसे वहां पर मैंने आपकी एक दो पिक्चर्स देखी थी, चीमा साहब ने शेयर की है फेसबुक पे। हाँ, चीमा साहब बड़े अरसे से वहां बैठे हुए, मुझे लगता है उनके पास वापसी का टिकट नहीं है, आप दे दीजिए उनको, नहीं तो मैं भिजवा देती हूँ। चीमा साहब ने तो कहा है कि आप कश्ती में चले जाएं, अगर जहाज पर नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं कोशिश करूंगा। देखें साउथ चाइना सी के हालात खराब हैं, चीमा साहब बैठे हैं आजकल बेल्जियम में, अमेरिकल के आज घूम फिर रहे हैं बेल्जियम में। चीमा साहब आपको पता है घूमते रहते हैं, जिस तरह मुसलसल तारब ने सफरनामे लिखे थे, मुझे लग रहा है कि सफरनामे लिखने के चक्कर में है, लेकिन आए थे उनकी मोहब्बतें उनके साथ एक मैंने, मुझे लगा शायद चले गए वापसी का टिकट पाकिस्तानियों की तरह ढूंढ रहे वापस जो। कहते PIA का टिकट लिया था, PIA बंद हो गई है, मैं जाऊं कैसे। मैंने कहा किसी कश्ती पे चले जाएं, चप्पू वाली कश्ती ले लें, यहाँ से दो डेंगी ले लें, तो 2-4 महीने में पहुंच ही जाएंगे कराची के करीब आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर, और आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आप बार्सिलोना का हमें डिटेल से बताएंगे कि वहां आपका विजिट कैसा रहा, क्यों गया था, क्या अचीव किया। डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद आड़ साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा
साजिद ताड़र के अपने पर्सनल व्यूज, क्या सोचते हैं वो बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में, और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।